आप देख रहे हैं VS Nation, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS Nation proudly presents वसई गौरव अवार्ड 2022 coming soon। वसई गौरव अवार्ड की श्रृंखला में एक नया नाम है फ्रांसिस डेनिस, जो कि कई वर्षों से वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। अपने जुनून से वे युवाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। वे लगभग 2.5 साल से एवर सेंचुरी वसईपुर में वृक्ष लगा रहे हैं। अब तक उन्होंने लगभग 1500 से ज़्यादा वृक्ष लगा दिए हैं। इनके इसी काम को देखकर हमने, यानी कि VS Nation ने इन्हें चुना है वसई का गौरव। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। सर, आप पूरे एवरशाइन में, वसई में छाए हुए हैं वृक्षारोपण करने के मामले में, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली वृक्षारोपण की? सर, मैं ऐसा है कि यहाँ से जो बीमारी सब निकल रहे हैं और लोग जो चलते हैं, तो वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों को एक छाव के नीचे खड़ा करना है, एक पेड़ के नीचे खड़ा करना है। और दूसरी बात ये है कि लोगों का सेहत इस तरफ से बिगड़ गई है, और इस काल में जिसे कोरोना काल बोलते हैं, जो व्हीकल जो है बहुत बढ़ गई है, और जो प्रदूषण इस तरफ से भी बढ़ रहा है, लोगों के इसमें बाहर निकलने के लिए लोगों को इसमें डर लग रहा है। और दूसरी बात यह है, वृक्षारोपण करने से हम आपस में एक संबंध बनाना चाहते हैं, लोगों के बीच में एक मित्रता बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज ऐसा हो गया, इंसान ऐसा हो गया कि एक दूसरे को नहीं पहचानता है। क्यों अपने घर के बाजू में कौन रहता है उसको पहचान नहीं, तो हम ये काम करके लोगों को एक साथ में लेके क्यों आपस में मित्रता क्यों नहीं बढ़ाए। और दूसरा काम, लोगों को ऑक्सीजन तो मिलता ही है और छाव के नीचे ला भी सकता है, ये मेरा सोच है, इसके लिए मैं ये काम करने लगा, लोगों को मेरे साथ जुड़ने लगा, एक दूसरे का पहचान हो सके, एक दूसरों का साथ मिल सके। इस हिसाब से कितने साल से कर रहे हैं और कितने वृक्ष लगा चुके होंगे अभी तक आप? सर, मैं तो बहुत साल से करता हूँ, जैसे मैं 18 साल का था, जैसे मैं बाहर मुंबई साइड में रहता था, तो वर्ली में जाके, वर्ली में जैसे कि मैं बोल रहा था कि जीजामाता नगर करके वहाँ मैं रहता था, जो वहाँ म्यूनसिपैलिटी कहीं भी रोड तोड़ने के लिए परमिशन नहीं देती, तो मैं रात को निकल जाता था, जैसा मैं चाल में रहता था उस टाइम में, तो मैं रात को जाके वहाँ वृक्ष लगाता था। और वृक्ष अभी तो बड़े हो गए हैं, मुझे अच्छा लगता है वो सर, कभी उस एरिया में जाते रहे। और यहाँ जैसे आया, मैं खुद अकेला करता था, जैसे कि फोरम के लोगों ने मुझे देखा, एवरसेंट फोरम के लोगों ने मुझे देखा, और उन लोगों ने मुझे उनके साथ जुड़ने को कहा, और मैं जुड़ गया, और वो लोग बहुत खुशी से मेरे साथ जुड़ गए। हम लोगों ने ये जो फेंसिंग जो है, जिसके लिए वो जाली लगता है, उसको हम लोगों ने रिसाइकिलिंग किया, क्योंकि पहले हमको म्यूनसिपैलिटी से मिला नहीं, हमने उसको रिसाइकिलिंग किया। रिसाइकिलिंग करके हमने जो भी वृक्ष लगाए एवरशन सर गेट से एवरशन लास्ट ऑफ तक, इनका सहायता से हमने लगाया, और लोग जुड़ने लगे, उन लोगों को अच्छा लगा। और अब यंग जनरेशन से हमारे साथ आ रहा है, ये हमारा एक अच्छा कार्यक्रम है, मुझे लग रहा है, और भी खुशी हो रहा है, जो यंग जनरेशन है वो हमसे हमारे साथ जुड़ रहा है। ये सब तो अब खाली एवरशन तक सीमित रहेंगे या आगे भी? नहीं, हम पहले एवरशन को पूरा कवर अप करेंगे, टोटल ग्रीन करेंगे, उसके बाद जरूर बाहर भी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमको ये लगाना है, हमको ये करना है। ये खाली हम ये नहीं समझते कि ये म्यूनसिपैलिटी का काम है, ये हम नहीं सोचते, ये कभी हमने कोई पार्टी के बारे में, म्यूनसिपैलिटी के बारे में कभी नहीं सोचते, ये हमारा काम है करके हम लोगों को जुड़ते हैं, और हमारे लोग ऐसे कि बहुत खुशी से आते हैं। तो कहाँ से इसका फंड वगैरह कहाँ से आता है सर? फंड ऐसे है कि सर, हमारे ग्रुप के लोग ऐसे हैं कि वो लोग अपने जेब से पैसा निकालते हैं, और ये पौधे, जैसे मैं तो कोई एक साल तक मैंने पौधे उगाए अपने गार्डन में, उगा के पौधे लेके आए, लाए नहीं, किसी ने पौधे भी दिए बीच में, वो भी लगाए, मतलब हर संडे जैसा मिलता है, हमारा संडे हम वृक्षारोपण करते हैं, तो वृक्ष तो मिलता ही है, और मेरी नज़र वृक्ष के ऊपर रहता है, तो मैं कहीं से बोल के उनसे उठा लेता हूँ ऐसा। तो अभी कितने लगा चुके हैं अभी तक वृक्ष? हमने करीब 1500 पौधे लगा दिए। और कितने साल से कंटिन्यू चालू है हर संडे? हर संडे हमारा 2.5 साल से चालू है। तो और युवाओं को आप क्या प्रेरणा दे रहे हैं? युवाओं को यही प्रेरणा दे रहे हैं, आप यही काम आगे बढ़ाओ मेरा, और आप भी कल मेरे जैसा मर के भी जी सके दुनिया में, ये मेरा काम है। क्योंकि एक्चुअली हमने जब एवरशाइन फोरम शुरू किया, तो हमारी कुछ इच्छा थी कि हम एवरशाइन सिटी को कैसे हरा भरा, सुरक्षित और साफ सुथरा बना सकें। तो ये जो हमारा मकसद था, जिस मकसद से हमने एवरशाइन फोरम में लोगों को, हर बिल्डिंग के लोगों को साथ में लाना शुरू किया, तो हमें एक डेनिस भाई में एक हीरा मिला, जो हमारे जो वृक्षारोपण का काम था, जो हमारा हरियाली हरा भरा करने का जो हमारा मकसद था, उस मकसद को अकेले इस आदमी ने लेके चल पड़े,
हर संडे, मैं तो बोलता हूँ संडे को तो हमने सोचा था, बट हर दिन ये सुबह उठते थे, हर पेड़ में क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए जाली चाहिए, तो ये सब चीज का ख्याल रखते थे और खुद ही करने लगे। डेनिस भाई का जो जुनून है वो तो आप लोग सब जानते ही हैं, पूरा एवरशन जानते ही हैं, और मुझे भी बचपन से बहुत अच्छी आदत थी के पेड़ लगाने की। हमारे जो नाना जी थे उन्होंने भी काफ़ी सारे राजस्थान में पेड़ लगवाए, तो वो मेरे दिल में था कि कहीं ना कहीं पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन मैं उस समय अकेला था, कोई साथ में था नहीं, और जब डेनिस भाई जैसे साथी मिल गए तो मैंने इनको वही बोला कि आज आप एक हो, आप एक और 11 बन गए। डेनिस सर बहुत ही एनर्जेटिक है, उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया है, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगाए हैं, उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। उन्होंने हर यहाँ पे हर काम किया है पेड़ लगाने के लिए, रोज हर संडे सुबह 7 बजे हमें यहाँ पे फ़ोन करके बुलाते हैं, और जो इससे हमें इंस्पायर मिलता है। यहाँ पे बीमारी कम हो गई है डेनिस अंकल की वजह से, और यहाँ पे काफ़ी हरियाली हो गई है, ये सब डेनिस अंकल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डेनिस सर के द्वारा कैसे पेड़ लगाया जाता है, किस प्रकार से बांधा जाता है, हर एरिया का अलग अलग उनको बखूबी जानकारी। डेनिस सर से सबसे मेन प्रेरणा वाली चीज़ एक ही चीज़ है कि इतना वही एज होने के बाद भी सबसे पहले सुबह उठ जाते और सबको बेहतर करते हैं, और वहाँ पर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम ये करते हैं यहाँ पर एवरशन में। तो मेन चीज़ इनसे सीखने लायक ये है कि जैसे कि अगर ये कर सकते तो हम यूथ क्यों नहीं कर सकते, तो हम यूथ एटलीस्ट अगर उठ नहीं सकते तो एटलीस्ट इनको कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं फेस के माध्यम से। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल VS Nation सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।